राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल रामकथा के पाठों पर आधारित ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम दो वरदान भाग 2। श्रृंखला के पिछले भागों में आपने सुना कि महाराज दशरथ जब राम को अयोध्या का राजा बनाने की घोषणा करते हैं तो सब ओर खुशी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन दुर्भाग्यवश रानी कैकेयी की दासी मंथरा इस खुशी से जल भून जाती है। वो रानी कैकेयी को भड़का देती है कि रानी कैकेयी राजा दशरथ से दो वरदान मांग ले। पहला वरदान कि राम के स्थान पर कैकेयी के पुत्र भरत को राजा बनाया जाए। दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। कैकेयी मंथरा के बहकावे में आ जाती है और को भवन में जाकर वरदान मांगने के लिए बैठ जाती है। अब सुनिए इससे आगे की कहानी। दिन भर की गहमा गहमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। तुरंत रनिवास की ओर चल पड़े। उन्हें शुभ समाचार देने सबसे पहले वो कैकेयी के कक्ष की ओर मुड़े। कैकेयी वहां नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, पता चला कि वे कोप भवन में हैं। दशरथ को चिंता हुई। कैकेयी कोप भवन में? परंतु क्यों? क्या इसलिए उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? मैं उसे अवश्य मना लूंगा, दशरथ ने सोचा। दशरथ कोप भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कैकेयी जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए, गहने कक्ष में बिखरे हुए, कपड़े मैले। तुम्हें क्या दुख है रानी? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ, अस्वस्थ हो? राज वैद्य को बुलाऊं? दशरथ ने कई सवाल पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। कैकेयी रोती रही। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूं। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। धरती आसमान नहीं कर सकता हूं। दशरथ ने कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयास किया, उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे। मैं बीमार हूं, कैकेयी ने कहा। मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दें। मैं जो मांगूं उसे पूरा करेंगे। राजा ने
तत्काल हामी भर दी। कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकेयी उठकर बैठ गई। आप मुझे ये दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। हाँ। महाराज दशरथ ने हामी भरी। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो। हाँ? राम का नहीं। कैकेयी ने कहा। दशरथ भौचक रह गए। उन पर वज्रपात सा हुआ। थोड़ा रुक कर कैकेयी बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। क्या? दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया। अवाक रह गए। सिर चकराने लगा। वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर में राजा को होश आया। कैकेयी की ओर देखा। बड़े कातर भाव से बोले, तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। कैकेयी अड़ी रही। दशरथ कैकेयी की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। तब कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाया। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी। ये कलंक आपके माथे होगा। राजा दशरथ ये सुन नहीं सके। दोबारा बेहोश हो गए। रात भर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में होश आता। वो कैकेयी को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कैकेयी दस से मस नहीं हुई। सारी रात इसी तरह बीत गई। बाल राम कथा। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। मुख्य विषय समन्वयक प्रोफेसर रामजन शर्मा, आलेख मधुकर उपाध्याय, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार राकेश पंडित, कलाकार मंजू मैनी, राम मैनी, गीता वर्मा और आशा ब्राउन, ध्वनिंकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी
तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।